कैन वी बिकम रिच इन GTA San Andreas विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ इन 24 hours? सुनने में काफी अजीब लग रहा बट इट इज पॉसिबल। तो आज आप इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले। वेल गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और 50 लाइक का टारगेट उसको कर दो कंप्लीट। तो लेट्स गो। तो अमीर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए? $5,000, $10,000, $1,00,000। तो बेसिकली देखो, GTA San Andreas के अंदर पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैं ना $10,000 सेलेक्ट करता हूँ। तो आज आप $10,000 कमाने वाले हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ। मैंने जहाँ तक देखा इस गेम में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर एक पैसों का बैग भरा पड़ा हुआ है, तो वो मेरे को उठाना है। बट उस पैसों का बैग को उठाने के लिए मेरे को काफ़ी सारी गन्स चाहिए। तो गन्स मैं ऐसे तो ले नहीं सकता, क्राइम मैं कर नहीं सकता, मैं कैसे गन्स लूँ? इन लोगों के पास पक्का गन्स होती है। और देखो पीछे एक बंदा है, वो आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बंदा मेरे को शूट करे ताकि पुलिस आए, फिर मैं एक आधे मुक्के फिर तो मार भी सकता हूँ मैं, और फिर गन्स लूँ एंड देन मैं अपने मिशन पे निकलूँ। तो भाई काफ़ी हार्ड चैलेंज है। तो अबे मेरे को तुम लोग, मैंने अभी तक तो कुछ बोला नहीं, कुछ क्राइम नहीं करा, मैं कोई लॉ नहीं तोड़ने वाला। तो ये लोग मेरे को मारो, तुम मेरे को मारो, अबे मारो मेरे को यार ताकि पुलिस आए। हेलो मेरे को मार भाई, तू क्या कर रहा है यार? ओके गाइस, बातचीत हो चुकी है और ये लोग बोल रहे हैं कि हम तेरे को नहीं मारेंगे यार, मेरे को तुम लोग प्लीज मार दो। ओ भाई, मैंने एक मुक्का जरूर मारा बट मुक्का यार क्राइम के अंदर नहीं आता, वो तो ऐसे ही मार दिया मैंने। एनीवे तो इन लोगों ने शूटिंग कर दी मेरे पे। भाई भागो 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 भागो। अबे क्या हो रहा है यार, ये लोग तो पीछे पड़ गए मेरे। पुलिस कहाँ पे है? पुलिस नहीं आ रही, पुलिस नहीं आ रही भाई। ओए पुलिस कहाँ पे इस गेम के अंदर? मेरे को मार रहे यार ये लोग, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो एक काम करता हूँ, गाड़ी लेके भागता हूँ। भाई मेरी एचपी काफ़ी कम बची हुई है। क्या यार ऐसे ही मैंने गलती से मार दिया, वो क्राइम के अंदर थोड़ी आता है। तो इन्होंने मेरे पे बंदूक से फायर करा, वो तो गलत हुआ ना, वो क्राइम के अंदर आता है। एनीवे भाई साहब, तू मेरे को बचाने क्यों नहीं आया था? तो गाइज अब मिशन को स्टार्ट करेंगे। हो गया गाइज, अपन को $10,000 गेम में इकट्ठा करने हैं। तो $10,000 पहले मैं एम्बुलेंस का काम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइज पहले आप करेंगे एम्बुलेंस का काम स्टार्ट, फिर पुलिस का, फिर फायर फाइटर का, और $10,000 इकट्ठा करेंगे 24 hours के अंदर विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉ। तो मेरा मिशन हो चुका है स्टार्ट। सिर्फ 47 seconds में मेरे को एक पैसेंजर को उठा के लाना है। तो वो यहाँ पे आई थिंक ये रहा, और आई थिंक इन गुंडों ने उसको मारा होगा। तो मैं पुलिस की जॉब करूँगा ना, तो सभी गुंडों को मार सकता हूँ, तो तब उनको मारूंगा। और बेचारे का खून बह रहा है काफ़ी बुरा, और 15 seconds एक्स्ट्रा मिल चुका है। सिर्फ 40 seconds में मेरे को इसको रेस्क्यू करना है, तभी मेरे को देखेंगे कितना पैसा मिलेगा भाई। और $10,000 इकट्ठा करना है, बहुत मुश्किल चैलेंज है। लेट्स गो, यहाँ पे मैं इसको रेस्क्यू कर देता हूँ और देखते हैं कितना पैसा देगा। भाई पैसा दे भाई, ने सिर्फ $50 दिया यार। $50 से मैं $10,000 इकट्ठा नहीं कर पाऊँगा। ये गलती से मर गए, मैं क्या करूँ, आगे आ रहे थे तो मैंने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। एनीवे तो गाइस इस बार 2 पैसेंजर है, तो देखते हैं कितना पैसा देंगे, क्योंकि टाइम 40 सेकंड बचा हुआ, काफ़ी कम टाइम है। तो इतना मेरे को पता है $50 से तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे, बट फिर भी कितना मिलेगा? आई थिंक $150 मिले तो सही है, नहीं तो मेरे को पुलिस की जॉब करनी पड़ेगी। तो गाइस चलते हैं, भाई बहुत दूर पैसेंजर एक और, लेट्स गो। ओके गाइस, सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ, 38 सेकंड बचा हुआ है। तो यहाँ पे इस गली में है और अपने पास $200 हो चुके हैं। तो गाइस $10,000 इकट्ठा करना है, टाइम काफ़ी कम है बट अपन कर सकते हैं। चलो भाई चलते हैं, और 15 सेकंड एक्स्ट्रा मिल चुका, क्या बात है। तो इस बंदे को जल्दी से करते हैं रेस्क्यू, लेट्स गो। भाई उतर जा, उतर गया, मरो कुछ भी करो। ओके भाई $200 मेरे को मिल चुके हैं, अमीर जी। ओ मेरे को लगा पुलिस वाले कुछ बोलेंगे बट कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि एम्बुलेंस है ना। तो $200 मिले इस बार, देखते कितने पैसे मिलेंगे। तो अपने पास 3 पैसेंजर है, जल्दी बैठ जा, और तू तो पैदल भी आ सकता ना, बट सही है यार अपना ये पैसे देंगे अपन को। गो भाई, क्या बात है, सामने गुंडे थे ना, उन्होंने मारा था, और भाई पुलिस वालों को फिर से लगी और कुछ भी नहीं बोला। अगर और गाड़ी होती तो वो भाई हॉर्न बजा देते देर में। तो मेरे को एक और पैसेंजर यहाँ से मैं कैरी कर लेता हूँ, जल्दी आ जा, आ जा। और वो बंदा आई थिंक मारने आ रहा है, भाई ये तो बूढ़ी लिया, वो मारने आ रहा है। भाई डर गया, अच्छी बात है, मेरे को लगा वो इसको मारेगा,
और काफी टाइम लगा दिया इसने यार गाड़ी में चढ़ने में, और ऊपर से आगे चढ़ी है। एनीवे लेट्स गो, रेस्क्यू हो गए तुम, जल्दी से उतरो। क्या बात है, रेस्क्यू फाइनली। एक बंदे को और बचाना है, और इस बार देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे। पिछली बार 200 मिले थे, तो आई थिंक 400 तो मिलने चाहिए चाहिए। अपने पास सिर्फ 29 सेकंड है भाई, और इस गली में है, कहाँ पे है भाई, चोर बहुत है इस दुनिया में यार। देखो जहाँ पर भी ये एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, वहाँ पे चोर खड़े हैं। देखो वो गैंग वाले बंदे बिल्कुल सामने जस्ट खड़े हुए अपने, तो मारेंगे उनको अभी। एक सेकंड रुको, मैं पुलिस की भी ड्यूटी करूँगा और उसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फिर इन सबको मारूंगा मैं। तो वो तो चलो भाई चलते हैं, 20 सेकंड बचे हुए सिर्फ, भागो, भगा लो। इधर मोड़ लेते, क्या बात है, सिर्फ 15 सेकंड भाई, वो इस बार देखते कितने पैसे मिलेंगे। लेट्स गो टंटन, ये रेस्क्यू फाइनली, $450 भाई, $850 हो चुके हैं। और अभी मेरे को सिर्फ एक मिनट का टाइम दिया है, 4 लोगों को रेस्क्यू करना है, तो पहले इसको करता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं शहर के अंदर, और आई थिंक इस बार $600-800 तो देने चाहिए। देखो अपन को $10,000 इकट्ठा करना है, और अगर मैंने एक भी लेवल यहाँ से स्किप कर दिया फिर हुआ नहीं, तो मेरे को सारा काम दोबारा करना पड़ेगा, फिर मेरे से होगा नहीं। तो एक और यहाँ पे लेडीज है भाई, देखो कितने लोगों को जान से मार रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन इनको मार रहा है। एनीवे सही है भाई, अपना पैसा बन रहा है, तो चलते हैं। और अपने यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों की सीट है, तो 4 पैसेंजर है, तो मैं 3 को बिठा के फिर रेस्क्यू करके फिर एक और बचाने जाऊँगा। तो सिर्फ 40 सेकंड बचा, और बंदा कहाँ पे भाई, कहाँ, ओके ये भी लेडीज है भाई, जल्दी बैठ, आगे मत बैठा कर एक तो। एनीवे और पीछे जस्ट गाड़ी है, तो मोड़ देते भाई, रुको, आंधे, चलो भाई चलो, 50 सेकंड बचा हुआ है, और पहले इनको छोड़ना होगा, फिर मेरे को एक बंदे को और बचाना है, वो फिर देखेंगे कितने पैसे मिलेंगे। टंटने उतरो, अबे उतर दो यार, टाइम क्यों ले रहे, उतरो, ओके रेस्क्यूड फाइनली गाइस, 25 सेकंड मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया एक मिनट के अंदर। और वो बंदा बहुत दूर लग रहा है मेरे को यार, वो बहुत ज़्यादा दूर है, और आई थिंक वो नीचे ना हो यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो नीचे है इसके। अब मैं 50 सेकंड में नीचे कैसे जाऊँगा भाई, मैं क्या करूँ, यहाँ से जा सकता हूँ क्या, यहाँ से जा सकता हूँ क्या मैं, नहीं जा सकता यार, सिर्फ 40 सेकंड बचा हुआ, उसको वापस भी छोड़ना है मेरे को, हॉस्पिटल भी ले जाना उसको, तो मैं नहीं कर सकता यार। 30 सेकंड बचा हुआ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से कूदा भी नहीं सकता एम्बुलेंस को भाई, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं मर जाऊँ तो यहाँ से मेरे को कूदानी पड़ेगी एम्बुलेंस। टंटना गया नीचे भाई, एम्बुलेंस सही बचे अपनी, ओके एम्बुलेंस तो बच चुकी है, सिर्फ 20 सेकंड बचा हुआ, और बंदा भाई वहाँ पर है वो, 15 सेकंड भाई, मैं उसको रेस्क्यू कर सकता हूँ, वो मेरे को 20 सेकंड एक्स्ट्रा भी देगा, बट वो ऊपर है हरामी, यहाँ पे क्या कर रहा है तू, साला घर के अंदर है क्या वो, अच्छा वो उस साइड गली के अंदर है, और 3 सेकंड बचा हुआ है, एम्बुलेंस भी मेरी टूट गई, बट ओ यार मेरा लेवल गया। एनीवे गाइज, मैंने एम्बुलेंस का काम करके $850 कमाए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो अब मैं दोबारा काम नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को दोबारा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा $50 से। अब मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मेरे को खुद को नहीं पता, मतलब मेरे को $10,000 इकट्ठा करने हैं, तो कैसे करें। वेल गाइज, फाइनली मैंने एम्बुलेंस को कर दिया पार्क, और अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ फायर फाइटर बनने का, तो फायर ब्रिगेड मेरे को मिल चुकी है, और इस पर देखते भाई कितना पैसा मिलेगा। भाई ये मेरे को मार देती है, बस थोड़ा सा बच गया मैं। एनीवे तो इसके अंदर एंटर करते हैं, लेट्स गो, अपन बन चुके हैं फायर फाइटर, आई बिकम फायर फाइटर। तो अब मेरे को कहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, और अपने पास टाइम सिर्फ 1 मिनट का है, तो टाइम तो काफ़ी कम दिया, और बंदा काफ़ी दूर लग रहा है यार, ये काम उससे भी मुश्किल है। ओके ये काफ़ी पास में ही है, तो किधर है ये, यहाँ पे तो नहीं दिख रहे मेरे को, ओके वो रे भाई दिख गए। हेलो, रुको आग बुझाओ, यहाँ पे पता नहीं किसने आग लगाई है, अभी देखो पूरे शहर में आग लगेगी। ओके $200 मेरे को मिल चुके हैं भाई, पहली ट्रिप के $200। तो इधर एक और आग लग चुकी है, जो कि काफ़ी पास में थी, तो यहाँ पे इसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं ना, वो मर गए, तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। और इसको देखो आग लग चुकी इसके, अभी इसकी आग लग गई भाई, इसकी आग लग गई, अभी तू चल क्यों रहे, एक जगह खड़ा रहना, ओए अबे वो मर गया भाई, वो मर गया तो मेरे पैसे गए, मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके $450 भाई, $1,500 तो मेरे हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे। तो अभी 3 लेवल है, तो यहाँ पे आग लग चुकी है, और यहाँ पे एक और फायर ब्रिगेड पीछे भी खड़ी थी,
बट वो नहीं आई। तो एनीवे मेरे को तो पैसे मिलेंगे और इस भाई साहब के भी आग लगेगी। देखो इनके भी आग लगनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये लोग खड़े नहीं रहते एक जगह। तो एनीवे अबे रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? अबे रुक, एक जगह खड़ा रहता है, आग बुझा दूंगा मैं। ओके गाइस, $800 भाई, पैसा डबल होता जा रहा है। तो आई थिंक अगली बार मेरे को $1600 मिलेंगे। तो मैं एम्बुलेंस यहाँ से कुदाने वाला हूँ। ओ ले भाई, एम्बुलेंस मैंने कुदा दी, कुछ भी नहीं हुआ भाई, बुझाएंगे। और ये तो गुंडे हैं, हरामी गुंडों को वैसे आग नहीं बुझानी चाहिए मेरे को। ये तो मरे तो भी ठीक है, बट फिर भी मैं पैसों के लिए बुझा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है ये, यहाँ पे क्या कर रहा है? ले अबे तू कर क्या रहे इधर? और वो लोग मेरे को मारने आ रहे हैं, देखो भाई। एनीवे $1250 मेरे को मिले गुंडों से, तो गुंडे लोग भी अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं। तो अभी मेरे को कहाँ पे जाना है? ओके तो इस गली पे है भाई वो। तो ओके स्वागत है, फायर फाइटर आ चुकी है। लो जी, तो यहाँ पे टैक्सी पे आग लगी हुई है, बुझा देंगे। यहाँ पे बेचारों के टैक्सी ड्राइवर के भी आग लग चुकी है और पैसेंजर के भी आग लग गई थी, पता नहीं कैसे लगी। एनीवे भाई गाड़ियाँ हल्की बना रहे कंपनी वाले। तो ओके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और एक यहाँ पे टैक्सी की आग लगी है भाई, टैक्सी के ज़्यादा आग लग रही है। $1800 दिए इन लोगों ने, अमेजिंग भाई। $5,350 तो मैंने इकट्ठा भी कर लिए, तो मेरे को पुलिस वाला काम तो स्टार्ट करने की नीड पड़ेगी नहीं। तो चलते हैं अगले मिशन की तरफ। ओके गाइज, भाई साहब ये वाला मुश्किल लग रहा है मेरे से, क्योंकि काफ़ी दूर दिया और यहाँ पे तो नहीं। अच्छा ये ऊपर है क्या यार? ये मैं नहीं कर सकता, पुल के ऊपर आग लगी हुई है, वहाँ पे कैसे जाया जाए यार? ये काफ़ी हार्ड है, तो यहाँ से मैं पुल के ऊपर जा सकता हूँ क्या? ओके जा सकता हूँ, तो चलते हैं लेट्स गो भाई। अब यहाँ पर नहीं पता कौन से रास्ते पे मेरे को जाना है। तो दोनों आग यहीं पर लगी हुई है, आई थिंक दोनों गाड़ी टकरा गई होगी। और देखो हाईवे जाम कर रखा सालों ने, तो टो ट्रक भी बुलाना पड़ेगा। एनीवे इनके देखो यहाँ पर इनके भी आग लगेगी, इनके पछवाड़े पे आग लगने वाली थी। ओके भाई अब मेरे को नीचे कुदानी पड़ी गाड़ी, मैं कुदाने वाला नहीं हूँ। बट ओ यार मेरी फायर ब्रिगेड गई, काफ़ी बुरा हुआ यार। और मेरे पास टाइम सिर्फ काफ़ी कम बचा हुआ, तो इसको आग बुझाओ यार। ये काम काफ़ी मुश्किल है और बेचारे उनको भी आग लगी हुई। देखो अब उतर रहे हैं, पहले नहीं उतर रहे थे। पहले गाड़ी में तुम कर क्या रहे थे? $2,450 मेरे को मिले, $7,800 कंप्लीट हो चुके हैं भाई। तो अब यहाँ पे खंबे को तोड़ दो खंबे को, और जो दिखे उनको ठोको तोड़ो, कुछ भी करो, बस आग बुझानी है अपन को। तू बच गई भाई, बीच में घड़ी थी साइकिल ले गए। एनीवे तो इसकी आग यहाँ पे बुझानी है, बुझा दिया जाए। और इसके अंदर लोग बैठे हुए मिलेंगे जो कि अब निकलेंगे। मतलब अंदर तुम कर क्या रहे थे मेरे को एक बात बताओ? ओके ये तो गए बुझ, और सामने दो बंदे हो रहे। अबे रुक जा, तो रुक जा, कहाँ जा रहा है? ओके इसकी आग बुझ चुकी है भाई साहब, वो मर रहा है बेचारा, मैंने एक को तो मार भी दिया। एनीवे काफ़ी बुरा हुआ। तो अभी यहाँ पे आग और बुझाने, सिर्फ 4 मिनट का टाइम बचा हुआ, टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं लोग। सही है यार, तो ये गुंडे थे आई थिंक, इन लोगों ने फायर करा होगा तभी गाड़ी पर आग लगी होगी। तो इसकी भी आग बुझा देते हैं भाई, कहाँ जा रहा है? तो रुक जा भाई। ये गया फाइनली। ओके गाइज आग तो बुझ चुकी है, बट फिर भी पैसे नहीं मिले। आई थिंक कोई बंदा गाड़ी से निकल के काफ़ी दूर भाग चुका है। तो यहाँ पर ये तो नहीं है क्या? ओके गाइज $3200 मिल चुके हैं मेरे को, $11,000 कंप्लीट। फाइनली गाइज हमने चैलेंज को कंप्लीट कर दिया, $11,000 कंप्लीट हो चुके हैं। अमेजिंग गेम भाई, ये हुई ना बात। वेल गाइज फाइनली $11,000 लेके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मिल रही थी जो अभी मैं परचेज करने वाला हूँ, और भाई अपने खुद के पैसों की है, तो $10,000 की प्रॉपर्टी है। तो फाइनली इसको परचेज कर लेते हैं, प्रेस टैब टू परचेज दिस प्रॉपर्टी, लेट्स गो। फाइनली गाइज अपन ने अपना खुद का घर इस गेम में खरीद लिया है। तो हमने चैलेंज काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया, हमने $10,000 कमा भी लिए विदाउट ब्रेकिंग एनी लो, अपने खुद के पैसे कमाई। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे इस गली में गुंडे रहते हैं, तो इनको भी मैं मारने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा बदला लेने वाला हूँ यार। ओके गाइज मैं इनको मारने वाला हूँ, ये सारे गए, तो अब तो मैं इन सबको मार सकता हूँ। भाई साहब क्या बात, ये भी गया। तो इनके पास गन्स और पैसा दोनों मेरे को चाहिए, तो एक काम करते हैं इन सबकी गन्स उठाए और पैसा उठाए। भाई इनके पास एक MP40 गन थी जो कि मेरे को नहीं मिली, मेरे को एक पिस्टल मिला है। तो इनका गन्स और पैसा किसी और बंदे ने उठा लिया है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यार काफ़ी गलत बात है यार, मैंने इनको मारा और मेरा पैसा गन्स कोई और लेके गया।
एनीवे घर के अंदर घुसते हैं, वो सेफ हाउस है ये, अपना प्यारा सा घर जो कि $10,000 में परचेज करा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो से लगे वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ना 50 लाइक के टारगेट उसको कर दो कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।